क्या आप अपने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को शार्प करते हैं और शार्प करते ही उसका लीड हो जाता है ब्रेक? सो ये वीडियो आपके लिए है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड कि हम किस तरीके से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। वैसे तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा ही इस तरीके का टॉपिक नहीं है कि इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाए, लेकिन कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स आप लोगों का कि हम जब शार्प करते हैं पेंसिल तो इसका लीड ब्रेक हो जाता है, तो आपको डाउट है तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो जरूर बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा फ्रेंड कि किस तरीके से इसे शार्प करना रहता है और किस तरीके से मैं करता हूं, और मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता फ्रेंड्स कि मेरे से लीड ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक होने का भी रीज़न होता है और नहीं होने का भी रीज़न होता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है शार्प करने का। एक तो होता है ये कटर होता है, जो थर्माकोल कटर, इससे आप इसे शार्प कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है नॉर्मल शार्पनर जो कि मेरे पास है अप्सरा का। तो दोनों से हम करके देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके का हमको रिजल्ट मिलता है और हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारा जो लीड है वो ब्रेक ना हो। सो मैं ये शार्पनर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुका हूँ और ये मतलब न्यू ही है ऑलमोस्ट। तो मैं इससे शार्प करके दिखाता हूँ आपको नॉर्मल पेंसिल कि इससे किस तरीके का शार्प होता है, और मैं कंटिन्यू से शार्प करते जाऊँगा, देखते हैं कितने बार में उसका लीड ब्रेक होता है। तो मेरे पास ये पेंसिल है जो कि ऑलरेडी शार्प है, तो इसे और एक बार शार्प करते हैं और ये बिल्कुल आसानी से स्मूदली राउंड हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि फंस रहा है, बिल्कुल स्मूदली हो रहा है क्योंकि इसका जो कटर है वो बिल्कुल शार्प है। इस कारण ये बिल्कुल स्मूदली हर एक चीज़ को शार्प करता है, इस कारण इसे लीड ब्रेक नहीं होता। तो देखिए, मैं दो बार इसे शार्प कर लिया और अभी तक ये टूटा नहीं है, और शार्प करके देखते हैं कितने बार में ये टूटता है या नहीं टूटता। सो देखिए, मैंने और शार्प कर लिया, अब देखते हैं थोड़ा जितना छोटा हो पाए उतना हम करेंगे। सो गाइज, आप देख रहे हैं मैं कितने बार इसे शार्प कर चुका हूँ वो भी शार्प पेंसिल को, फिर भी इसका लीड ब्रेक नहीं होता है। रीज़न ये है कि जो ब्लेड है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो आप अच्छे शार्पनर यूज़ करेंगे तो लीड ब्रेक होने के चांसेस बिल्कुल कम है। सो देखिए, हमें इस तरीके का रिजल्ट मिला है इससे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से शार्प हो रहा था अप्सरा के इस शार्पनर से। सो आप ये यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक और चीज़ बताता हूँ, आप इससे शार्प करते तो कई बार टूट जाता है, तो उसका रीज़न बताता हूँ। ये मेरे पास थोड़ा पुराना शार्पनर है जो कि मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुका हूँ, इसके बाद अभी मैं इसे यूज़ नहीं करता, मतलब चारकोल के लिए यूज़ नहीं करता, बाकी हम ग्रेफाइट पेंसिल के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इससे शार्प करके दिखाता हूँ कि इससे क्या होता है। सो गाइस, मेरे पास यहाँ पर एक और पेंसिल है और इसको शार्प करते हैं, तो जब मैं इसे राउंड घुमा रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मूथ घूम रहा है, ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फंस रहा है। तो देखते हैं इसे शार्प करके, तो देखिए जो पहले जो सबसे सामने का शार्प पॉइंट होता है वो तो टूट गया है इससे, क्योंकि काफ़ी फंस के शार्प हो रहा है ना इस कारण। और राउंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, और अभी तक तो ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको शार्प पॉइंट नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा, मतलब शार्प करने के बाद भी। और ये देखिए, इसका हो गया है लीड ब्रेक। अब मैं इसे जितने बार भी शार्प करूँगा ये बार बार टूटते जाएगा। सो देखिए, ख़राब शार्पनर यूज़ करने का आपको ये रिजल्ट मिलता है। अभी आपने देखा इससे काफ़ी जल्दी लीड ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि उतना स्मूथली ये राउंड नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम सॉफ्ट चारकोल को यूज़ करेंगे इसे शार्प करने में तो डेफिनेटली टूटने के तो चांसेस रहते ही है। तो अगर आप न्यू शार्पनर यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल आप वो कीजिए यूज़। मैं तो इस तरीके का पैकेट परचेस कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार परचेस ना करना पड़े और जितना भी होता है काम चल जाए मेरा। तो अगर आप कंटिन्यू ड्राइंग करते तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट है कि आपको आपका ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा शार्प करने में, बस पेंसिल लगाओ, शार्प करो और यूज़ करो। और एक और तरीका होता है फ्रेंड जो कि होता है ये कटर, जिसका काफ़ी अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल में भी यूज़ कर सकते हैं, चारकोल में, इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मैं भी कभी इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट वे में पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम इससे शार्प करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रॉपर इसे शार्प करना रहता है ताकि आपका जो चारकोल पेंसिल है वो शार्प हो अच्छे तरीके से, और क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आपका लीड ब्रेक ना हो। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये मेरे पास पेंसिल है तो इसके सामने का लीड मैं पहले से तोड़ लेता हूँ। सो ये तोड़ के अब हम इसे शार्प करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कटर चलाने का तरीका होता है, आप ऐसा नहीं कि आप बस पेंसिल पर रखें और उसको चलाएं, ऐसा नहीं। देखिए मैं किस तरीके से एक फिंगर से सपोर्ट ले रहा हूँ पेंसिल को और दूसरे फिंगर से मतलब थंब से प्रेस करते हुए उसे मतलब
शार्प कर रहा हूँ, तो आपको इसी तरीके से करना है, उसको हवे में शार्प नहीं करना है। मतलब कि ये आप उसको थोड़ा सपोर्ट दो अपने फिंगर से, उसके बाद धीरे धीरे शार्प करते जाओ। तो देखिए इस तरीके से आपको प्रॉपर आराम से करना है शार्प, और टाइम लगता है इसमें, लेकिन आपको अच्छी तरीके से टाइम देना है। पहले तो आपको जो इसका वुड है उसे अच्छी तरीके से शार्प कर लेना है। और वुड जब अच्छी तरीके से शार्प हो जाए तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको सपोर्ट लेना है, जो लीड है वहाँ पे फिंगर रखना है, और बिल्कुल आराम से यहाँ पर इस तरीके से चलाना है। और ये नहीं कि आप थोड़ा प्रेशर अप्लाई करें, बिल्कुल आराम से आपको चलाना है। मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से बस यहाँ पे का जो चारकोल है उसे शार्प करते जाना है, और इस तरीके से करेंगे, और आपका जो कटर है वो भी ज़्यादा शार्प ना हो तो भी आप इसे ईजिली कर सकते हैं। बस आपको इस तरीके से जो घिसने का तरीका होता है वो चीज़ होता है। देखिए इस तरीके से बस आपको हल्के हल्के से करते जाना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अगर आपका न्यू ब्लेड है तो आप अपनी उंगली को कट नहीं कर लेना ना, बिल्कुल आराम से करना। और अगर आपसे नहीं होता या फिर आपको डर लगता है तो या फिर आप टेबल पे हल्के से रख के या फिर किसी चीज़ पे रख के शार्प कर सकते हैं, या फिर अपने घर में किसी बड़े को बोल सकते हैं कि शार्प कर दो। सो देखो गाइस इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा शार्प पॉइंट, और बिल्कुल ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। बस आपको वुड में थोड़ी मेहनत करनी, बाकी जो चारकोल है उसमें बिल्कुल आराम से चलाना है। और गाइस पेंसिल को आपको इस तरीके से पकड़ के शार्प नहीं करना है, आपको हमेशा उसको सपोर्ट देना है इस तरीके से, उसके बाद बिल्कुल आराम से शार्प करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो लीड ब्रेक होने की काफ़ी कम चांसेस है फ्रेंड्स। गाइस दोनों का आपने देखा वीडियो कि किस तरीके से हम शार्प करते हैं, किस तरीके से हमारा लीड भी ब्रेक हो जाता है अगर हम गलत तरीके से शार्प करते हैं या गलत शार्पनर का यूज़ करते हैं। सो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई ऐसा वर्क करे जिसको जल्दी कंप्लीट करना है, टाइम देना है, तो बिल्कुल आप शार्पनर से शार्प कीजिए ताकि आपका टाइम बचे। और अगर आपके पास टाइम है कि आप हाँ आराम से उस वर्क को कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो शार्पनर है वो ख़राब ना हो और आपका काम भी हो जाए। सो आपके पास ये दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। बस एक चीज़, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं और अभी बच्चे हैं, आपकी एज कम है और आपको इसे अच्छी तरीके से यूज़ करने नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल सावधानी से करना, बिल्कुल केयरफुली करना ताकि आपका जो उंगली है वो कट ना हो। अगर आपसे नहीं होता तो आप बिल्कुल शार्पनर का यूज़ कीजिए अगर आप बच्चे हैं अभी, और इस तरीके का आप इस तरीके से शार्प नहीं कर सकते तो बिल्कुल आप शार्पनर का ही यूज़ करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप इसको यूज़ कर सकते तो बिल्कुल आप इसे यूज़ कीजिए और बिल्कुल आराम से करना, और मैंने जिस तरीके से बताया सेम उसी तरीके से करना। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।